तक ग्रुपिंग टाइप हो रही थी लोगों की और आपस में किसी को मार रहे थे वो लोग। और दीपोत्सव था, कल अच्छा सा इवेंट था, रंगोली बनाई गई थी और मतलब उसको पूरा मिटार दिया गया इन सॉर्ट ऑफ, जिस पे रिएक्शन आया दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी, और उसी पे ही ये झगड़ा शायद स्टार्ट हुआ। लंबे लंबे नारे लग रहे थे। क्या थे वो? अकबर के। अच्छा, मतलब धार्मिक स्लोगन। हाँ, धार्मिक। या ऐसे हालात और छात्रों की बातें सुनकर साफ है कि दिल्ली में एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव है, जो हिंदू त्योहारों पर सेलेक्टिव विरोध कर रहा है, जो भड़काऊ तकरीर देकर कट्टरता की नजीर पेश कर रहा है, जो जामिया में बवाल के नाम पर नफरती आवाज को तेज कर रहा है। हालांकि गनीमत रही कि जामिया में हुए इस बवाल की खबर जल्द ही दिल्ली पुलिस को मिल गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया कैंपस पहुंचकर हालातों को संभाल लिया। मनाया जा रहा था रंगोली, कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई, दिए यहाँ पर जलाए गए, उसी दौरान बताया जा रहा है कि दूसरा जो गुट है वो यहाँ पर पहुंच जाता है रंगोली पर, दूसरे गुट का पैर जो है वो लग जाता है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए और झड़प इस कदर हुई कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत उन्हें इस मामले में बरामद नहीं की गई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस जामिया और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग करती हुई जो यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। सवाल है कि आखिर जामिया यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर कट्टरता का बीज कौन बो रहा है? ये कौन लोग हैं जिन्हें फिलिस्तीन की तो चिंता है लेकिन हिंदू छात्र हिंदू त्योहारों से नफरत है? ये कौन से छात्र हैं जो देश के पैसे से पढ़ते हैं लेकिन समर्थन फिलिस्तीन का करते हैं? ये कौन है जिनकी निगाहें भारत के भविष्य पर गड़ी हैं? और क्या धीमे धीमे जामिया परिसर को कट्टरता का अड्डा बनाने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कट्टरता का अड्डा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी का लेटर है, जहां पर हिंदुओं पर हमलों का जिक्र। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश है जामिया मिलिया इस्लामिया, यहां पर हिंदुओं पर हमले हो गए, इसके लिए लेटर लिखना पड़ रहा है अपने ही देश में। गैर मुस्लिम छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। गैर मुस्लिम समझ रहे हैं कौन से छात्र हैं ये? जो विशेष समुदाय से नहीं आते, इसका मतलब वो जामिया में पढ़ नहीं सकते क्या? और पढ़ेंगे तो क्या हिंदू त्योहारों पर, सनातन के बड़े पर्व पर इस तरह से मारपीट करने पर, बवाल करने पर आमादा होंगे? प्रश्न यही सब पूछ रहे हैं क्योंकि ये हैरान करता है जो हुआ है और ये बार बार हो रहा है। और इसीलिए बीजेपी ये कह रही है कि इनकी नीयत ही ठीक नहीं है, देश के प्रति इनकी नीयत ठीक नहीं है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जामिया मिलिया इस्लामिया की घटना बहुत ही दुखद है। जिन लोगों ने भी बच्चों को दिवाली मनाने में बाधा डाली है, उनकी नीयत देश के प्रति ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि इस पे कानून अपना काम कर रहा है और आप विश्वास रखिए, इस तरह का हुड़दंग मचाने वालों की जगह जगह हम लोग एक मुजाहिरा देख रहे हैं, लेकिन इनका, ऐसे लोगों का कानूनी इलाज बहुत ज़रूरी है ताकि इस देश की जो अनेकता में एकता की बात है उसको बचाया जा सके। फिलिस्तीन के नारे लगे, अल्लाह अकबर के नारे लगे। देखिए, अल्लाह अकबर के नारे लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस जगह किन परिस्थितियों में ये हो रहा है इसका आकलन हम कर रहे हैं। जो भी फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। फिलिस्तीन से किसी की दुश्मनी नहीं है। फिलिस्तीन के आड़ में कुछ लोग हमास को सहयोग कर रहे हैं क्या? ये सारी चीज़ों पे ध्यान जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई होने की बात कह रहे हैं क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो जय फिलिस्तीन के नारे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो हमास जो आतंकी संगठन है गाजा का, उसे सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और ये सपोर्ट सिर्फ जामिया में हो रहा है। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ दीपावली उत्सव से इन्हें दिक्कत नहीं है। वाल्मीकि जयंती अभी 17 अक्टूबर को बीती है, उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना था जो 6 साल से लगातार जामिया में हो रहा था। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा था, लेकिन ऐसी एलर्जी
पर्व त्योहारों से कि यहाँ पर उन्हें भी नहीं घुसने दिया गया। बता रहे हैं वो छात्र कि कैसे उनके 6 साल से जो एक तरह से परमिशन लेकर लेटर लेकर वो पहुंचे थे, वो अपना त्योहार मनाने वाल्मीकि जी की प्रतिमा लेकर पहुंचे थे, उन्हें भी एंट्री नहीं दी गई। सुनिए जरा। अंदर जाने नहीं दे रहे मूर्ति। ये मूर्ति की वजह से अंदर के मूर्ति नहीं जाएगी, तस्वीर ले आओ छोटी और चले जाओ अंदर, अपना प्रोग्राम कर लो। जब हमने पहले परमिशन ले रखी है सब A to Z हॉल से लेके गेस्ट हाउस से लेके सब रजिस्ट्रार BC प्रोक्टर से सबसे ले रखी है, हमारी मूर्ति की वजह से जान दे रहे हैं अंदर। हर साल आप लोग हर साल 6 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रजिस्ट्रार BC सब हमारे प्रोग्राम इनवाइट करते हैं, हम सब आते हैं और सब आते हैं। और अब क्या हमने अपनी मूर्ति लानी 2 घंटे के लिए, अपनी मूर्ति वहाँ जमा के उसकी पूजा करने के लिए हम सोच रहे हैं, तो उस मूर्ति की वजह से हम अंदर नहीं जान दे रहे। हम सर ये मांग कर रहे हैं जिन्होंने हमें गालियाँ दी हैं रोका, वो 2 आदमी यहाँ जाए। रही शाह साहब का इन्होंने नाम लिया कि ये मूर्ति अंदर नहीं जाएगी। रही शाह साहब हमें वजह बता दे कि ये क्यों नहीं जाएगी अंदर, बस ये हमारी 3 बात। हर साल मूर्ति ले जाते हैं, हर साल हम सर जाते पूजा करते हैं, 1 घंटे की पूजा होती है हमारी, वापस ले आते हैं साथ में। अब ये बताओ सर, हम वाल्मीकि हैं, जब हम इनके घर पर जाके सफाई काम करें, इनके कपड़े धोएं, सब कुछ करें, जब हम वाल्मीकि हैं ना, जीते जाते हो तो ये रोक नहीं रहे, मूर्ति है इसको क्यों रोक रहे सर, बताओ। तो सुना आपने, वाल्मीकि समाज के लोग थे जो 1 घंटे का बता रहे थे कि उनका कार्यक्रम था, लेकिन ये नफरत ही नहीं है तो और क्या है कि उन्हें भी घुसने नहीं दिया गया। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, कई ऐसे मौके आ चुके हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब इस तरह की विरोध की तस्वीर सामने आई है। CAA को लेकर छात्रों में हिंसक प्रदर्शन हो गया था, यहां तक कि पुलिस को अंदर घुसना पड़ा था। शाहीन बाग आंदोलन में भी ये छात्र हिस्सा थे, जामिया के छात्र। दिल्ली दंगों से भी कुछ छात्रों का कनेक्शन सामने आया था। वहीं बाबरी के समर्थन में भी यहां जामिया के अंदर प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीर हमने देखी है। प्रोफेसर पर धर्मांतरण का आरोप लगा था, और ये ज्यादा दिन पुराना मामला नहीं है। ये कह दिया था कि अगर आपको यहां प्रोफेसर के तौर पर काम करना है तो धर्मांतरण करो, तभी काम हो पाएगा। यहां तक कि ये भी अभी आपने एक ABVP के छात्र को सुना था, जिसने ये बताया कि कैसे अगर आप हिजाब नहीं पहनते तो एंट्री नहीं होगी, ये भी बीच में समझ में आई थी तस्वीर। ये 2019 की जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं CAA NRC का, वहां उस वक्त कैसा माहौल था ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। और यहां पत्थरबाजी हो गई थी, ये देखिए पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। विरोध करना कोई खराब बात नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहां तक नौबत आ जाना कि पत्थरबाजी हो जाए, ये 2019 की तस्वीर आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये नफरत का कैंपस बन गया है। यहां कुछ भी होता है तुरंत प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, कोई चीज लागू नहीं हुई उस पर बात हो रही है, बात ही तो हुई थी उस वक्त CAA NRC की। इतनी दिक्कत यहां हो गई कि प्रदर्शन तो शुरू हुए और उसके बाद पत्थरबाजी हुई। और अगली तस्वीर देखिए, आपको याद होगा आजादी आजादी के नारे लगे थे और वो वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था। ये तभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तब भी इसी तरह प्रदर्शन हुआ था। समझ में नहीं आता कि यहां पढ़ाई करने आते हैं या प्रदर्शनों का हिस्सा ही बने रहने आते हैं। जहां पढ़ाई का आपको मौका मिल रहा है, लोगों के जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे आप पढ़ रहे हैं, आपको हर सुविधा दी जा रही है, हाई क्लास यूनिवर्सिटी है, आप यहां पढ़ाई करिए, लेकिन यहां पर एक अलग एजेंडा चलता दिखाई दे रहा है और उस एजेंडे की तस्वीर बार बार ये सामने आती रही है।